दोस्तों, गौतम बुद्ध की ये प्रेरणादायी कहानी सुनने के बाद मन में आने वाले बुरे विचार खत्म हो जाएंगे। दोस्तों, ये कहानी आप पूरी सुनेंगे तो यकीन मानिए आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आ जाएगा। एक बार की बात है, एक युवान राजकुमार महात्मा बुद्ध के पास उनसे दीक्षा लेकर उनका शिष्य बनने आया। दूसरे दिन महात्मा बुद्ध ने उस राजकुमार को एक श्रविका यानी कि एक फीमेल मॉम के घर दीक्षा लेने के लिए भेज दिया। जब वो रास्ते में जा रहा था तो उसके मन में ख्याल आया कि जो भोजन मुझे बहुत पसंद थे अब तो वह मुझे खाने को नहीं मिलेंगे। रूखा सूखा जो भी मिलेगा अब से तो उसी में ही गुजारा करना पड़ेगा। लेकिन जब श्रविका के घर गया तो उसने देखा कि उसकी थाली में भोजन परोसा गया है जो उसे सबसे ज़्यादा पसंद था। वह बहुत हैरान हुआ, लेकिन फिर उसने सोचा, संयोग होगा, जो मुझे पसंद है वही आज घर में बनाया होगा। वो भोजन करता है तभी उसे याद आया कि रोज तो भोजन के बाद वह राजमहल में 2 घड़ी विश्राम करता था, लेकिन आज तो धूप में ही वापस लौटना पड़ेगा। लेकिन तभी उस रविका ने कहा, भिक्षु, बड़ी कृपा होगी अगर आप भोजन के बाद 2 घड़ी विश्राम कर ले। राजकुमार बहुत हैरान हुआ कि जब वह विश्राम के बारे में सोच ही रहा था तभी ही श्रविका ने विश्राम के लिए कैसे कह दिया। फिर उसने इस बात को भी सोचते हुए टाल दिया कि संयोग ही होगा। जिस समय मेरे दिमाग में विश्राम की बात आ रही थी उसी समय उसके दिमाग में भी सहजता से ही यह बात आ गई होगी कि भिक्षुक है, बहुत दूर से धूप में चलकर आया है, भोजन के बाद थोड़ा विश्राम कर लेगा तो अच्छा होगा। उस भिक्षु ने चटाई बिछाई और वह उसमें लेट गया। लेटते ही उसे ख्याल आया कि राजमहल छोड़ने के बाद अब न तो अपने सर पर किसी का हाथ है, न ही अपनी छत और न ही अपना कोई बिछौना, अब तो आसमान ही छत है और जमीन में बिछौना। राजकुमार यह सोच ही रहा था कि वह श्रविका जो कि चट्टाई बिछाकर वापस जा रही थी वो रुककर बोली, महंते, ऐसा क्यों सोचते हैं आप? महात्मा बुद्ध से बड़ा कोई साया नहीं, जमीन से बड़ा कोई बिस्तर नहीं और आकाश से बड़ा कोई छत नहीं, कृपया आप ऐसी बात न सोचें। यह सुनते ही राजकुमार एकदम से उठकर बैठ गया। अब उसके लिए यह बात एक संयोग मात्र मानना असंभव था। उसने उस बौद्ध भिक्षु से पूछा, मैं बड़ा हैरान हूँ, क्या मेरे विचार तुम तक पहुँच जाते हैं? क्या मेरा अंतःकरण तुम पढ़ लेती हो? उस श्रविका ने कहा, जी हाँ। राजकुमार ने बड़े आश्चर्य से पूछा, लेकिन कैसे? तभी श्रविका ने कहा, पहले तो मैं स्वयं के विचार को निरीक्षण करती रहती थी, खुद के दिमाग में आने वाले विचारों पर ध्यान देना शुरू किया था। अब तो हालात उल्टे हो चुके हैं, स्वयं के विचार तो निरीक्षण करते करते क्षीण हो चुके हैं, गायब हो चुके हैं, विलीन हो चुके हैं, पूरा मन निर्विचार हो गया है। अब मेरे मन में खुद का कोई विचार नहीं आता, लेकिन अब तो जो कोई भी मेरे पास होता है, आसपास में रहता है, उसके विचार भी मेरे निरीक्षण में आ जाते हैं, मैं उसके विचार भी पढ़ लेती हूँ। यह भिक्षु एकदम से घबरा गया और खड़ा हो गया और उसने कहा, मुझे आज्ञा दे, मैं अब जाना चाहता हूँ। उसके हाथ पैर कांपते रहे। उस श्रविका ने कहा, इतने घबराए हुए क्यों हो? इसमें घबराने वाली क्या बात है? लेकिन भिक्षु रुका नहीं, वो वापस लौटा। उसने बुद्ध से कहा, क्षमा करे, उस द्वार पर दोबारा भिक्षा मांगने ना जा पाऊंगा। बुद्ध ने कहा, क्यों? तुमसे कोई गलती हुई क्या? उस भिक्षु ने कहा, ना तो भूल हुई ना कोई गलती, बहुत आदर सम्मान और जो भोजन सबसे ज्यादा प्रिय था वह मिला, लेकिन वो जवान श्रविका दूसरे के मन के विचारों को पढ़ लेती है, ये तो बड़ी खतरनाक बात है, क्योंकि उस सुंदर जवान श्रविका को देखकर मेरे मन में तो काम वासना भी उठी थी, विकार भी उठा था, उसके लिए कुछ गलत विचार भी उठे थे, वो सभी पढ़ लिया होगा उसने। अब मैं वहाँ कैसे जाऊँ, कैसे उसके सामने खड़ा हो पाऊँगा, उससे आंखें कैसे मिला पाऊँगा, मैं उसके पास दोबारा नहीं जा सकूँगा, बुद्धा मुझे क्षमा करें। बुद्ध ने कहा, वही जाना पड़ेगा, अगर ऐसी क्षमा मांगनी थी तो भिक्षु बनने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हें जानबूझकर वहाँ भेजा था, और अब जब तक मैं मना ना करूँ तब तक तुम रोज वही जाना पड़ेगा, महीने, 2 महीने, वर्ष, 2 वर्ष, निरंतर अब यही तुम्हारी साधना है, लेकिन होश पूर्वक जाना, भीतर से जागे हुए जाना और देखते हुए जाना कि तुम्हारे अंदर कौन से विचार उठ रहे हैं,
कौन सी वासनाएं उठती है और कुछ भी मत करना। उन विचारों और बुरी वासनाओं से लड़ना मत, उन्हें जबरदस्ती दबाने की कोशिश मत करना। दिमाग में जो भी विचार आ रहे हैं उन्हें आने देना। तुम्हारा काम है उन विचारों को निरीक्षण करना, उन्हें ध्यान से देखना। इसीलिए तुम जागे हुए जाना, देखते हुए जाना कि भीतर क्या उठ रहा है। वह भिक्षु दूसरे दिन भी वही गया। एक बार के लिए सोच ले कि उसकी जगह आप ही जा रहे हैं और वे रवि का आपका मन पढ़ लेती है। वो बहुत सुंदर है, बहुत आकर्षक है, बहुत सम्मोहक है, पर वो मन पढ़ लेती है। हाँ, अगर वो मन ना पढ़ पाती तो ये आपको ना पता होता कि वे मन के विचारों को पढ़ लेती है। तब आप अपने मन में कुछ भी सोच सकते थे, लेकिन आप आज क्या करेंगे? यदि आप आज ही जा रहे हैं उस भिक्षु की जगह भिक्षा लेने, वो भिक्षु रास्ते पर चल रहा था, अपने मन को देख रहा था, जागा हुआ था। आज पहली बार जिंदगी में वो जागा हुआ चल रहा था। जैसे जैसे उस रविका का घर करीब आने लगा, उसका होश बढ़ने लगा। भीतर जैसे एक दिया जलने लगा हो और चीज़ें साफ दिखाई पड़ने लगी और विचार घूमते हुए मालूम होने लगे। जैसे ही उसने घर की सीढ़ियों पर कदम रखा, एक सन्नाटा सा छा गया उसके अंदर, होश परिपूर्ण जम गया। अपना पैर भी उठाता है तो उसे मालूम पड़ रहा है, एक सांस भी आती है तो उसे मालूम पड़ने लगता है। मन के अंदर जरा सा भी विचार का कोई कंपन आता है या वासना की लहर उठती है तो वो भी उसे दिखाई पड़ रही है। वह जैसे ही सविका के घर के अंदर गया, मन में और भी गहरा शांत हो गया। वह बिल्कुल जागा हुआ है, जैसे किसी घर में दिया जल रहा हो और एक एक चीज़ कोना कोना प्रकाशित हो रहा हो। वो भोजन करने बैठा, उसने भोजन किया, वह उठा, वह वापस लौटा। वो उस दिन नहाता हुआ वापस लौटा आकर बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और उसने कहा, बुद्धा, आज अद्भुत बात हुई। जैसे जैसे मैं उसके निकट पहुंचा, वैसे वैसे मैं जागा हुआ हो गया। मैंने पाया कि विचार तो गायब ही हो गए, काम वासनाएं एवं वासनाएं तो खत्म ही हो गई। और जब मैं उसके घर में गया तो मेरे भीतर पूर्ण सन्नाटा था। कोई विचार नहीं था, कोई वासना नहीं थी, वहाँ कुछ भी नहीं था। मन बिल्कुल शांत और निर्मल दर्पण की भांति था। बुद्ध ने कहा, इसी बात के लिए वहाँ भेजा था, कल से वहाँ जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब जीवन में इसी भांति जियो, जैसे तुम्हारे विचार सभी लोग पढ़ रहे हो। अब जीवन में इसी भांति चलो, जैसे जो भी तुम्हारे सामने है वो तुम्हें जानता है, तुम्हारे अंदर देख रहा है, तुम्हारे विचारों को पढ़ रहा है। इसी भांति चलो और अंदर से जागे रहो। जैसे जैसे जागरण बढ़ेगा, वैसे वैसे विचार वासनाएं खत्म होती चली जाएगी। जिस दिन जागरण पूरा हो जाएगा, उस दिन तुम्हारे जीवन में कोई कार्य विचार शेष नहीं रह जाएगा। उस दिन एक आत्मक्रांति हो जाएगी। इस स्थिति के जागने को, इस चैतन्य के जागने को मैं कहता हूँ विवेक का जागरण। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीखना है, यदि हम अपने दिमाग में इस बात को बैठा ले कि सामने वाले के बारे में हम जो भी सोचते हैं वो उसे पढ़ रहा है, उसे भी पता चल रहा है, तो हमारा दिमाग अपने आप ही किसी के भी बारे में बुरा सोचना कम कर देगा या बंद कर देगा। सोचिए, अगर आपको पता हो कि यदि आप किसी की लड़की के बारे में गलत सोच रहे हो और यह बात उस लड़की को पता चल जाएगी, तो क्या आपका मन ऐसी बातें सोचेगा? नहीं। दोस्तों, यदि हम इस प्रोसेस को कई दिनों तक करते रहे तो हम पाएंगे कि हमारा दिमाग विचार शून्य हो गया है। यह केवल वर्तमान में जी रहा है, वर्तमान की चीज़ों को देख रहा है, उसी की साक्षी कर रहा है। हमारा दिमाग किसी भी चीज़ के बारे में अच्छी या बुरी राय बनाना छोड़ देगा, यह बस उस चीज़ को देखेगा, वो जैसी है उसे वैसे ही देखेगा। दोस्तों, अगर हम यह कर पाए तो हम एक बहुत ही शांति से भरी और होशपूर्ण जीवन जीने में सफल हो जाएंगे। दोस्तों, गौतम बुद्ध का यह बोध आपको कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताएं।